लाइव है। तीसरे और चौथे राउंड की काउंटिंग का जो डाटा है वो आ चुका है, और एक बार फिर से लाइव के जरिए जो है आप तक आए हैं कि क्या कुछ है खबर वो आपको बताना जरूरी है। क्योंकि पहले राउंड में जिस तरीके से कांग्रेस की उम्मीदवार शिल्पा निहातिर की 50 वोटों से आगे रहीं, और दूसरे राउंड में 112 वोट से बीजेपी की गंगोत्री कुजूर जो है लीड कर ली थी, लेकिन तीसरे और चौथे राउंड में दोबारा से जो है कांग्रेस ने जो है लीड ले लिया है, और तकरीबन 1300 वोटों से जो है कांग्रेस पार्टी चौथे राउंड के बाद जो है 1350 वोटों से आगे बढ़ गई है। और जो तीसरा राउंड था, तीसरे राउंड में भी 1148 वोट से कांग्रेस की शिल्पा नेहा तिर्की जो है वो आगे हो गई थी। हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी, बार बार ये जो हालांकि अभी चौथे राउंड की ही समाप्ति हुई है, लेकिन जिस तरीके से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस आगे हो जा रही है, क्या लग रहा है जनता किस हिसाब से वोट की है? अब तो वो शाम को पता ही चल जाएगा कि जनता किस हिसाब से वोट की है, लेकिन सिर्फ सेकेंड राउंड में बीजेपी आगे हुई। फर्स्ट राउंड में कांग्रेस आगे थी, फिर थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड दोनों में कांग्रेस आगे है, और अभी तक जो चौथे राउंड की फिनिश होने के बाद पूरी गिनती हो गई है, बीजेपी को 14,816 मत मिले हैं, कांग्रेस को 16,166 मत मिले हैं, और AIMIM को 6,055, और उसके बाद हैं चौथे नंबर पर सुभाष मुंडा। और आपको जानकर खुशी होगी कि लोग नोटा के बारे में भी जानते हैं। नोटा पिछले बार अगर फर्स्ट राउंड में कहे तो 5वें नंबर पर था, 107 वोट नोटा में पड़े थे, लेकिन ये है कि अब ये जो चार राउंड की गिनती पूरी हो गई है, इससे तो साफ अंदाजा लगा जा सकता है कि ये टक्कर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की है। हालांकि ये अभी शुरुआत है, कह नहीं सकते 21 राउंड होना है टोटल, लेकिन लेकिन बाबा जिस तरीके से हम लोग जब मांडर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे थे, और AIMIM के जो समर्थित कैंडिडेट हैं देव कुमार धान, हालांकि ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, टेम्पो छाप इनका चुनाव चिन्ह था, ये एक फैक्टर दिख रहे हैं चौथे राउंड में जो आंकड़ा जो अभी आया है, हालांकि ये आधिकारिक नहीं है, ये आधिकारिक आंकड़ा है। अच्छा, आधिकारिक आ गया। तो आप देखिए कि AIMIM का 6,155 वोट है, तीसरे नंबर पे है, और जो लीड कर रही है कांग्रेस उसका वोट जो है 16,166 है, और दूसरे नंबर पे 14,816 वोट है। क्लियर नहीं हो पाया कि किस क्षेत्र का खुला है, लेकिन जिस तरीके से आप जो बताना चाह रहे हैं कि लगभग 10,000 का गैप है, तो वो जाहिर सी बात है कि जितना माना जा रहा था कि देव कुमार धान वोट लाएंगे, वो प्रचार भी नहीं किए और वो नहीं सफल होते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10,000 का अंतर कांग्रेस के साथ है, हाँ। लेकिन आप देखिए कि जो कांग्रेस और बीजेपी का जो अंतर है, हाँ। वो मात्र 1350 वोटों, हाँ, का है, इसलिए वो अभी कुछ तो नहीं। तो देव कुमार धाम तो फैक्टर दिख रहे हैं एक तरीके से, बीजेपी को मदद करता हुआ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता हुआ। ये जाहिर सी बात है, ये आप कोई भी जीतेगा तो किसी को आप कह सकते हैं कि वो किया तीसरे नंबर का कैंडिडेट के तौर पे, समझिए। अब कौन किसका वोट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि देव कुमार धान पहली बार AIM से लड़े हैं, पर वो जितनी बार मांडर चुनाव लड़े हैं फर्स्ट सेकंड के ही कैटेगरी में रहे हैं, वहां से जीते हैं, मंत्री रहे हैं, तो उनका एक अपना जानीदार है। ये अगर आप बोलेंगे कि अवेसी जी की पार्टी से, तो उनको सिर्फ मुसलमान वोट को आप काउंट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं है जो देव कुमार धान ला रहे हैं। तो काउंट नहीं किया जा सकता है, हाँ। कर भी नहीं रहे हैं, जब पूरा कंप्लीट होगा मतगणना, हाँ, तो उसके बाद ही इनके लाने से फायदा हो रहा है बीजेपी को या बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है, ये कहना मुश्किल है। अगर सदान का वोट देव कुमार धान को मिला होगा तो कहेंगे बीजेपी का नुकसान है, अगर आदिवासियों का वोट मिला होगा तो बीजेपी को नुकसान किया उन्होंने। तो ये चूंकि इस बार पहली बार लग रहा था कि बीजेपी की ओर झुकाव हुआ है ट्राइबल वोटों का, और वो साफ तौर पे दिख रहा था प्रचार प्रसार के दौरान कि लोग उनको आमंत्रित कर रहे थे, चाय पिला रहे थे, बोल रहे थे, सुन रहे थे, सोच रहे थे, वो पहली बार दिखा लगभग, अगर जब से झारखंड देखें इतना ज़्यादा रुझान विधानसभा में, लोकसभा में उनका रहता है लेकिन विधानसभा में ये पहली बार ट्राइबल वोटों का रुझान दिख रहा था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो
खतियानी झारखंडी पार्टी है उसका कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मतलब दूसरे राउंड तक मान लीजिए सिर्फ महज 72 वोट मिले हैं नीरज ओराव को, तो वो एक फैक्टर नहीं काम कर पाया, या यूं कहे कि वो प्रचार नहीं। उनको पहले बता देते हैं कि खतियानी झारखंडी पार्टी का जन्म कैसे हुआ। दरअसल पूरे राज्य भर में आप देख रहे होंगे कि भाषा के आधार पे, स्थानीयता के आधार पे जो है कई आंदोलन हुए, जयराम महतो और भी कई सारे लीडर, अमित महतो ने जेएमएम को छोड़ करके जो है आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया, और बाद में अमित महतो ने जो है एक पार्टी बनाई, उसका नाम खतियानी झारखंडी पार्टी है, और उसी के उम्मीदवार नीरज उराव हैं, जो कि दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई है अब तक उनको 72 वोट, मान लिया कि चौथे राउंड का जब आधिकारिक पूरा जो डाटा आ जाएगा तो उसमें वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि अमित महतो की पार्टी यानी कि जो खतियानी आधारित जो आंदोलन चल रहा था वो क्या फैक्टर बन पाया, खास करके सुरक्षित सीट है मांडर। अगर वहां भी जो है अगर उस तरीके से फैक्टर नहीं बन पाया है, देखिए चौथे राउंड के बाद जो नीरज उराव का जो वोट है बाबा वो 187 है, मतलब सेकंड राउंड तक 72 था और चौथे राउंड के बाद जो है 187 वोट है। तो ये अमित महतो दूसरे से तीसरे राउंड में, आप एक चीज देखिए, दूसरे राउंड से बीजेपी ने 4000 की बढ़त की, तीसरे राउंड से चौथे राउंड में 4000, कांग्रेस ने भी 4000 की बढ़ोतरी की, लेकिन देव कुमार धान महज 2000 की बढ़ोतरी कर पाए चौथे राउंड में। तीसरे से अगर कंपेयर कीजिए आप चौथे को, तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी को लगभग 4000 ग्रोथ मिला, कांग्रेस को 4000 ग्रोथ मिला, लेकिन देव कुमार धान को महज 2000 का ग्रोथ मिला। तो ये तो तय हो गया कि इस अभी तक जितने भी खुले हैं कि हर जगह वोट धान को मिला है, देव कुमार धान को हर जगह वोट मिला है, और बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। लेकिन अभी चूंकि ये 4 राउंड है, 21 राउंड टोटल होना है, 17 राउंड बाकी है, अभी बेड़ों खुलेगा, या जैसे आप 51-52 था वो, तो उसमें सब महज आप समझ सकते हैं कि थोड़ा उसमें ग्रोथ ये होगा, लापुम का क्या हर्ष होगा, या फिर आपको चान्हों का, वो जब पूरी तरीके से आएगा ये आप मतलब कुल मिलाकर के ये जो आंकड़े हैं वो पल पल बदल रहे हैं, और यही वजह है कि हम लोग लगातार लाइव आकर के जो है अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि अब तक महज चौथे राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी की गई है, और ये जो चौथे राउंड की जो काउंटिंग है उसके मुताबिक अब तक जो है, अब देखिए कि पांचवा राउंड का भी आ गया है, पांचवा राउंड में जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से ये जो मार्जिन है कांग्रेस का बढ़त का वो कम गया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की जो है 350 वोटों से आगे चल रही हैं। तो आप देखिए कि पल पल आंकड़ा बदल रहा है, पहले राउंड में पांचवे राउंड का है, पहले राउंड में शिल्पी नेहा तिर्की 50 वोटों से आगे थी, दूसरे राउंड में 112 वोटों से पीछे चली गई, तीसरे राउंड में 1148 वोटों से आगे हो गई, चौथे राउंड में 1350 वोटों से आगे गई, और पांचवें राउंड में अब फिर से 350 वोटों से आगे चल रही। हालांकि कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, लेकिन आप देखिए कि मार्जिन कम हो रहा है धीरे धीरे जो आंकड़े हैं। ये मार्जिन कम होना ये बताता है कि आप अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा नतीजा या क्या हो सकता है नतीजा, क्योंकि एक लंबा राउंड भी बाकी है, और अंतर अगर महज बहुत कम वोटों का रहेगा, और मान लीजिए किसी ऐसे बूथ पे आप जाएं जहां पे बीजेपी के वोटर ज्यादा हों या कांग्रेस के वोटर ज्यादा हों, तो वो फैक्टर जो है बहुत कुछ बदलेगा, और आंकड़े जो है लगातार बदलेंगे। अब देखिए कि जिस तरीके से हम लोग अब तक आंकड़े जो आ रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि लगातार ये आंकड़े बदल रहे हैं, और अभी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन जो है इस बार मांडर का जो है पहचान बनेगा और मांडर से चुनाव जीत करके आएगा, क्योंकि बार बार यह आंकड़े जो है बदल रहे हैं। तो अभी हम लोगों को इंतजार करना होगा, आप लोग भी इंतजार कीजिए, और जैसे ही पूरे 21 राउंड की जब गिनती हो जाएगी तो ये पूरा जो नाम है कि कौन जीता है इस बार मांडर से वो सामने आ जाएगा। शुक्रिया।